खड़ी होती तो क्या उसे भी ऐसे अकेला छोड़ देता? क्या बात है, मुंबई में अभी भी इंसानियत बाकी है। नॉट बैड। चलना, भूल क्या देगा। फिंगरप्रिंट्स भी इसके मैच हो रहे हैं, ये हेयर सैंपल्स भी इसके हैं, तो फिर ये क्यों इसे एक्सेप्ट नहीं करता? क्या वजह है? इतने सालों से मैं इसे मिल रही हूँ, इसकी हर मुलाकात में यही सवाल मुझे परेशान करता है कि इसके खिलाफ सारे सबूत होते हुए भी वो इस जुर्म से मुकरता है। नारायणन के रिकॉर्ड्स भी यही साबित करते हैं। उनके गुजर जाने के बाद से आज तक 3 साल से ऊपर हो गए मुझे इस केस के साथ रहकर। देखो, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, कोई पुलिस वाली नहीं। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ भेजी गई। क्यों बार बार सालों से इस केस के साथ हूं और हमेशा एक कमी का एहसास हुआ, मगर इसके रिपोर्ट्स तो आई एम श्योर देयर इज मोर टू दिस। हाँ, क्या है क्या है? मैं ही हूं। हाँ, मैं ही हूं। मार डालो मुझे, मारो मारो। बॉक्स के अंदर ये तो डॉक्टर नारायणन की टेप्स है। मुझे एक मीटिंग चाहिए अभी विद द प्रोसिक्यूटर एंड द जज।
डिफेंस लॉयर के थ्रू मैं इमरजेंसी प्ली दर्ज करवा रही हूँ। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हमें इंसाफ करना चाहिए। हम उसे ऐसी सजा, मेरा मतलब है फांसी, नहीं दे सकते। क्या ये आप क्या कह रही हैं मैम? उसे तो कल फांसी होने वाली है और आप आज? मैं जो कह रही हूँ वही कीजिए। आई एम श्योर वो बेगुनाह है, मेरे पास सबूत है। देखिए मैम, मैं वकील हूँ, भगवान नहीं। कोशिश करता हूँ। ऐसी ही बारिश उस रात भी थी। आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या? मेरी बीवी का खून बहुत बह रहा है, रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। ये क्या हुआ, कैसे ये? खाने पीने का तो सारा सामान पैक कर लिया ना? हाँ, सब कुछ ले लिया है। क्यों, कुछ खाना है क्या? नहीं अभी तो नहीं। बेटा तुम्हें कुछ चाहिए? क्या हुआ? ये कुछ चुपचाप सा रहता है, क्यों? तुम अभी नए हो ना, इसलिए थोड़े करीब हो जाओगी तो अपने आप खुलकर बात करेगा। ही इज माय शाय बॉय। टाइम तो लगेगा ना एडजस्ट होने में। व्हाट द हेल, पंचर हो गया शायद। चमकी चमकी मैं पतली छलकी छलकी मैं पगली बहकी बहकी
और लगेगा? बस बस हो गया, दो मिनट और, टायर लगते ही निकल जाएंगे। ओफो, एक तो इतनी बारिश और ये मुसीबत भी अभी आनी थी। होटल में हर किस नहीं रहूंगी, लेकिन सब लोग वहीं तो रह रहे हैं। तो मेरी सेक्रेटरी हो कि उनके दलाल, then I shall pack up at 5 every day. मैं रोज अपनी गाड़ी से अप डाउन करूंगी और सारा खर्चा उन्हें देना पड़ेगा। पर पनवेल से बॉम्बे एवरी नाइट, मेरे ख्याल से तो आप इतना ड्राइव कर करके थक जाएंगे। वैसे भी मैं आज आपके साथ ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन रोज रोज तो मैं भी आपके साथ ड्राइव नहीं कर सकता। ओके, I'll talk to the producers. बात नहीं, करवाओ। I hate unprofessional behavior. Do you understand? Hi, Bunny. अच्छा हुआ तुमने मुझे फोन किया। तुम मेरी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो या किसी चौल के दर्जी? Listen, damn it. I am not happy with my costumes. I have to look sexy. Oh shit. My battery is dying. Avinash. Avinash. Huh? Give me my battery. देखो वारंटी बॉक्स में रखी थी, निकाल के देना।
हेलो हेलो नो डैम इट नॉट टू यू या आई वॉज टॉकिंग टू अविनाश माई बैटरी इज लो या हेलो मिली बैटरी या तो नहीं है क्या नहीं है कैसे नहीं है जरा ठीक से देखो वहीं पर रखी हुई है ध्यान से देखो हेलो आई एम रियली फेड अप ऑफ दिस मेरा एक इम्पोर्टेंट फोन आने वाला है अविनाश जल्दी करो तुम भी ना ये तुमने क्या कर दिया देख के नहीं चला सकते क्या कहाँ जा रहे हो उनकी मदद करने मैं कहती हूँ चुपचाप बैठो उन्होंने तुम्हें इतनी बारिश में नहीं देखा होगा क्यों बेकार में मुसीबत मोल ले रहे हो केस भी हो सकता है मुझसे गलती हो गई क्या किया तूने अल्लाह को इतना था क्या वो क्या कि बारिश इतनी ज्यादा थी कि मुझे दिखाई नहीं दी हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए ये क्या किया तूने कितना खून बह रहा है जी क्या करूं जी मैं कुछ करता हूं क्या करूं मैं नहीं सकता बकवास फोन दो मुझे नहीं मैंने अभी अभी नई बैटरी डाली है मैं तुम्हें फोन नहीं दे सकती किसी की जिंदगी और मौत का सवाल फोन दो मुझे अविनाश मेरा फोन वापस करो Oh shit. There's no network. क्या बात ने मुझे भी फंसाया था? Oh my god. ये क्या क्या तुमने मेरा फोन गीला कर दिया? इनका बहुत खून बह गया. चलिए इन्हें हॉस्पिटल ले चलते. मैं कैसे लेकर जाऊं? मेरी तो गाड़ी पंचर है. Help me. हाँ, आइए मेरी गाड़ी में चलते. आराम से, आराम से. ये क्या कर रहे हो तुम अविनाश ये मेरी गाड़ी में नहीं आ सकती अरे बेटा बाहर क्यों आ गए अब तो अंदर बैठना चाहिए ना सारे के सारे भीग गए सर्दी लग जाएगी चलो अंदर मेरी पूरी सीट खराब हो गई है हाउ डेयर यू डू दिस अविनाश यहाँ बैठो हॉस्पिटल का नंबर क्या है हॉस्पिटल का नंबर क्या है हॉस्पिटल 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 पता हाँ हाँ हॉस्पिटल 7854219 ये तो डेड है इंडिया जी इंडिया की बारिश में यही तो होता है फोन और इंसान दोनों डेड हॉस्पिटल कितना दूर है 10 किलोमीटर तो होगा ही लेकिन ये भी नहीं पता कि रास्ते खुले हैं या नहीं इंडिया जी अरे इंडिया की सड़कें हैं ना सड़क कम गड्ढे ज्यादा पानी भरी जाता है ओ भाई साहब पानी भरी जाता है कि बैटरी बिल्कुल यहाँ पड़ी हुई थी तुम्हें दिखाई नहीं दी इसका मतलब है मुझे खुद ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा बाहर आओ क्या मतलब बाहर आओ देखो ये मेरी गाड़ी है और मैं नीचे नहीं उतरूंगी अविनाश अविनाश तुम सुन रहे हो या नहीं ये लोग अपनी मदद खुद कर सकते हैं अविनाश मैं इस होटल में नहीं रहूंगी चुप तुम बाहर निकलती हो तुम्हारे सामान के साथ साथ तुम्हें बाहर फेंक दू मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं देख लूंगी इडियट मिताली दिस इज नॉट फेयर कुछ तो बोलो मिताली कुछ तो बोलो मैं क्या करूं कुछ समझ है कैसी बात कर रहे हैं आप दिखता नहीं खून बह रहा है तभी तो टावल है हाँ टावल है टावल 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 हाँ टावल लाता हूँ टावल चाहिए रंग दो मेरे सफेद मुझे एक रूम चाहिए आप वही है ना वो नाचने गाने वाली व्हाट मतलब म्यूजिक वीडियो वाली अरे मुझे बहुत अच्छा लगता है वो आपका वो क्या है परदेसिया नहीं मैं रोज देखता हूँ इंडिया व्हाट इंडिया में अगर आप घर पे हैं ना तो आपको टीवी तो देखना ही पड़ेगा वैसे औरतें ज्यादा देखती हैं फिर हम मर्द भी नहीं वैसे आप नाचती बहुत अच्छा है हा? मैं रेगुलरली क्या यहाँ पे कोई डिसेंट रूम है मुझे चेंज करना है अगर मुझे सर्दी लग गई
तो मैं कल शूटिंग पे नहीं जा पाऊंगी। डू यू हैव अ रूम? है ना, हीटर वाला रूम है, 10 नंबर, बेस्ट है रूम वो। हाउ मच? अरे छोड़िए ना, अब आपके लिए क्या प्राइस, मैं बाद में वैसे ही वसूल कर लूंगा। व्हाट? ठीक है, 500 रुपीज आपके लिए। नहीं, आपका कोई फोटो आईडी लगेगा, वो राशन कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, कुछ भी। वो उम्र के लिए नहीं है, वो रिकॉर्ड रजिस्टर के लिए। ओह गॉड, दीस फॉर्मेलिटीज कहाँ रख दिया। इज दिस ओके फॉर यू? गुड फोटो। उम्मीद करती हूँ दिस रूम इज द बेस्ट। अरे आपके साथ क्या मजाक करूंगा, वो 500 रुपए दे रही हूँ, ये लो। थैंक यू। ये लीजिए मैडम, रूम नंबर 10 की चाबी। कमरा बाहर लेफ्ट में है। नहीं, आई मीन द रूम इज। कैन वी गो? हाँ ऑफ कोर्स, मैं मास्टर की ये, चलिए। दैट्स बेटर। छाता ले लेता हूँ मैं, और चलिए चलिए आप चलिए। अरे वो खुद चली जाएगी। आप मुझे एक रूम तो दीजिए ताकि अपनी बीवी को वहां ले जाऊं। आपसे टेबल मंगा था, वो भी आपने नहीं दिया। अरे आप चिल्ला क्यों रहे हैं, अभी आता हूं मैं। धीरज रखिए आप। कीप द पेशेंट, कीप द पेशेंट। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा जख्मी है। परफेक्ट, मैं अभी बैग लेकर आती हूँ। जाइए मत, जाइए मत। खुल 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 जल्दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं गाड़ी में बैठूंगी, नो प्रॉब्लम। Hi, I'm Sonia. Avinash. Great. I'm so sorry. मैंने आपसे बिना पूछे Oh, that's fine. Great. Actually, you don't look the type. जी? The type who'd object to a woman smoking. Not at all. I'm just joking. अरे अरे सामने देखो। तुमने कुछ कहा? जी? मैंने कहा तुमने कुछ कहा? नहीं तो। अरे तो फिर कुछ बोलो ना, शायद तुम हिंदी फिल्में नहीं देखते। हीरो हीरोइन हिंदी फिल्मों में ऐसी बात करना शुरू करते हैं। देखिए मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, और वैसे भी सामने का रास्ता मुझे बिल्कुल दिख नहीं रहा। I'm sorry. यहाँ तो सब तरफ पानी भर गया। अब अगर मैं कहूँगी कि हम यहाँ से आगे जा नहीं सकते और हमें रात यहीं पे काटनी पड़ेगी, तो तुम हिंदी फिल्म के हीरो की तरह डायलॉग मारोगे? I'll have to try. मुझे किसी भी हालत में हॉस्पिटल पहुँचना ही होगा। क्या? किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। अविनाश गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अविनाश अविनाश दिख नहीं रहा, सामने इतना पानी भरा हुआ है, क्या कर रहे हो? सुनी ना, इसलिए खराब हो गई। बोला था मैंने
रोको रोको। मत रोको। क्यों? हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो तुम्ही से क्या? मैंने कहा ना मत रोको। मैं अभी आती हूँ। देखिए सामने सारा रास्ता पानी से भरा हुआ है, आप आगे नहीं जा पाओगे। मेरी गाड़ी भी सामने फंस गई है। लेकिन हम तो सीधे जा रहे हैं। आप सीधे कहाँ जाओगे? That's a dead end. आपको लौटना ही पड़ेगा। Please. देखिए, please. आगे जा नहीं सकते। रास्ता नहीं है। सामने देखिए, dead end है। ठीक है, तो हम दूसरे रोड से आगे जाएंगे। चलो वरुण, वापस लौटते हैं। Perfect. अगर आप वापस ही जा रहे हैं, तो हमें भी उसी रास्ते से जाना है। हाँ। क्यों? Please. नहीं तो हम फंस जाएंगे। प्लीज। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। नो वे। ये लोग रूम नंबर 6 में है। और कश्मीरा जी? कश्मीर को वो परदेसिया रूम नंबर 10 में। अब हॉस्पिटल तो बारिश बंद होने के बाद ही जा पाएंगे। फोन चालू हुआ? इंडिया इंडिया में बिगड़ी हुई चीज को ठीक करने में टाइम लगता है। इसका मतलब इसको ठीक होने में ज्यादा ही टाइम लगेगा। चांसेस कम है ठीक होने के। सुबह तक ठीक हुआ ना किस्मा। एक कमरा मुझे भी दे दीजिए। मुझे एक आईडी दे दीजिए। मैं उस औरत को देख के आता हूँ, आप फॉर्मेलिटीज कीजिए। चाबी लेकर जाइए आप, 5 नंबर। जाइए, मेरा काम है। मुझे भी एक कमरा चाहिए। मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। दोबारा अगर इस होटल में नजर आई, तुझे तुरंत पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझी? My hand is fine. बेहतर यही है कि तू यहाँ से चली जा। ए, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, समझे ना? मुझे बुलाया तो मैं आई। हाँ छोड़, हाथ लगाने के पैसे लगते हैं, समझा? मुझे भी एक कमरा चाहिए। निकल निकल, मैं तेरे जैसे को कमरा नहीं देता, चल। क्या मतलब? तुम मुझे समझते क्या हो? मैं क्या समझूं? तेरी शक्ल पे साफ लिखा है ये चद्दर बदल होटल नहीं है, समझी ना? यहाँ तेरे जैसों के लिए कमरा नहीं है, चल चल। शट अप! तुम्हारी औकात क्या है? अगर मैं चाहूँ तुम्हारे इस होटल को खरीद सकती हूँ, समझे? हाँ तो खरीद लेना, खरीद ले। उसके बाद कमरा ऑटोमेटिकली तेरा हो जाएगा। अभी जा जा चल। ए, उतर, वो टूटेगा, उतर। रूम नहीं दोगे तो इतनी रात को जाऊंगी कहाँ? अरे ये एक्सक्यूज मी, हमें एक कमरा चाहिए। डबल बेड वाला एक भी कमरा नहीं है, 2 सिंगल बेड वाले कमरे हैं। अरे भाई कोई स्वीट तो होगा। हाँ ना, देना पड़ा। एक औरत थी, जख्मी थी, देना पड़ा उसे। ठीक है, वो भी चलेगा। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना, हमारा अच्छा खासा होटल यहाँ से चला जाएगा। लेकिन अब हम वहाँ नहीं, यहाँ है, डू यू माइंड? और आज रात अगर हम एक कमरे में रहे, इट्स बेटर देन स्टेइंग इन द रिसेप्शन ऑफ द कार। और वैसे भी ये जगह ज्यादा महंगी नहीं दिखती है ना? है ना, सस्ती है, 400 रुपए। हाँ, इसकी तरह। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप मुझे चाबी दीजिए। आईडी। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। जब मैंने तुमसे कहा था कि हम हनीमून ट्रेन से जाएंगे, तो तुम्हारा ये ग्रेट आइडिया था कि गाड़ी से जाएंगे। फिर जब मैंने तुमसे कहा कि इन्हें लिफ्ट मत दो, तो तुमने जानबूझकर इन्हें लिफ्ट दे दी। अब जब मैं कह रही हूँ कि मुझे इस होटल में नहीं रहना है, तो तुम जानबूझकर जिद पे आ रहे हो। डोंट क्रिएट अ सीन, लोग देख रहे हैं। लोग मत बोलो, ये कहो ना सीधे सीधे कि ये देख रही है। Will you stop it? अब चाबी। वरुण, वरुण। होता है। इंडिया एक ही देश जिधर एक औरत बैठे बैठे दूसरी औरत के सुखी संसार में आग लगा सकती है। अब तो जा। ये मेरे को 400 वाला रूम 500 में भी चलेगा।
तो देना। क्या? आईडी, असली नाम वाला। उसके बाद तू मेरे को कमरा देगा? दिया। दूसरा टावर भी सारा खून से गीला हो गया। खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। Oh God, help me. Help me. क्या करूं? क्या मैं देख सकता हूं? देखिए ना, खून रुक ही नहीं रहा है। काफी गहरा जख्म है, बहुत सारा खून बह गया। इसे रोकना पड़ेगा। कुछ करिए प्लीज। आपके पास सुई धागा है? सुई धागा? लेकिन मेरा तो सामान ही सारा वहां छूट गया गाड़ी में। अब क्या करूं? अब सामान कहां से लाऊं? मैं कुछ करता हूं। मिताली, मिताली, सब ठीक हो जाएगा। देखो देखो वो कुछ, मैं अभी आया, वो कुछ लेके आ रहे हैं, जल्दी आइएगा। समीरा, इतने रात को ये इमरजेंसी मीटिंग बुलवाने के लिए यू बेटर हैव अ कॉन्क्रीट रीजन, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। आई नो। ये है डॉक्टर साक्षी सागर, इन्हें तो आप कोर्ट में मिल ही चुके हैं जब इसी केस की पहली हियरिंग हुई थी। वेल, शी हैज अ वैलिड पॉइंट। मोर देन द एक्यूज्ड, वी नीड टू प्रोटेक्ट द लॉ। ना इंसाफी एक शाप है। ना इंसाफी? आज फांसी के एक रात पहले? डॉक्टर सागर, अगर आपकी वकालत सही नहीं हुई तो मैं आपका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। माई प्रोटेस्ट इज एब्सोल्युटली सिग्निफिकेंट मिस्टर मेनन, बिल्कुल जायज है। इतने खून करने के बाद आप एक डॉक्टर के वकालतनामे के बल पर फांसी से बच सकते हैं। स्कैरी थॉट। एनीवे, शुरू कीजिए। जज साहब को पहुंचने दें, उसके बाद। सुन रहा हूं कि उस क्रिमिनल को भी यहां ला रहे हैं। हाँ, पुलिस उसे यहां ला रही है। He is needed here to justify my reasoning. सुनिए। हाँ, सुनाइए। उनका घाव बड़ा गहरा है, बहुत खून बह गया, उसे रोकना पड़ेगा। कोई सुई धागा है आपके पास? देखना पड़ेगा, देखता हूँ मैं। सुई धागा? ये रहा, ये। आपको लगता है सुई धागे से काम चल जाएगा? आखिर वो चमड़ा है, कपड़ा तो नहीं है ना। लीजिए। इंडिया? हाँ, इंडिया है ना, यहाँ सुई धागे से घाव तो क्या कोई भी फटी चीज से ली जा सकती है। ये मैं सीनियर इंस्पेक्टर जतिन। हाँ, आप ही की कमी थी, बोलिए बोलिए। मोटल का कोई स्टाफ है यहाँ पे? जी, इंडिया। क्या? इंडिया का मोटेल है ना, तो यहाँ का रिसेप्शनिस्ट, वेटर, बेलबॉय, शेफ सब एक ही। यही गिल्ली चाय पत्ती का छोटा पैकेट, बोलिए। मेरी गाड़ी में एक खतरनाक खूनी है, हम उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे थे लेकिन अचानक बारिश के कारण फंस गए और हमारा स्कॉट वैन भी कहीं रह गया। हमें आज रात इसी मोटेल में रुकना पड़ेगा। अच्छा, मैं चाबी लेके आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपकी गाड़ी में वायरलेस रेडियो होगा? एक औरत बहुत जख्मी है, हम उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सके। अगर आपकी गाड़ी में रेडियो हो तो हम कुछ मदद मंगा सकते हैं। है, लेकिन चल नहीं रहा, वरना बिना स्कॉट वैन के थोड़ी ना घूम रहे होते। आप मुझे कोई और कपड़ा या नैपकिन दे सकते हैं? बेटा, बाथरूम से नैपकिन ले आओगे? बेटा, मैं ले आता हूं। कम कम कम, रूम आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। चलिए चलिए, सूटकेस को ले आइए, चलिए। चल, ये लीजिए।
क्या बात, आपका बेटा ठीक तो है? जब से आया कुछ बोला नहीं, लगता है उसे सदमा लगा है। वो मेरा बेटा नहीं है। मैंने मिताली से अभी कुछ ही महीने पहले शादी की है। जब से उसके पिता का देहांत हुआ है, तब से वो बस ऐसे ही रहता है, चुपचाप गुमसुम, कुछ नहीं बोलता। अरे नहीं नहीं, हम आपकी सेवा करेंगे ना, आइए ले आइए इन्हें। अब इनको कैद रखने के लिए आपको किसी मजबूत जगह की जरूरत होगी ना, बाथरूम, उससे सलामत फिटिंग्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आइए, एकदम टनाटन पाइप है, सॉलिड कड़क, इसको बांध डालो इसको उधर। चल बैठ, ये टूटेगा नहीं ना, बांधो बांधो, टनाटन नहीं, टूटेगा नहीं। अभी बाथरूम को देखना, बाहर निकल के मुझे देखना। धीरे धीरे, माइंड ब्लोइंग। अरे साला, अगर चमड़े के कलर का धागा होता तो सिलाई का पता ही नहीं चलता। मतलब कमाल किया, ये कहां सीखा बॉस? 3 साल मेडिकल स्कूल में था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया। अच्छा सी है। थैंक्स। आपका रेडियो ठीक हुआ? नहीं। अगर आप चाहो तो एक बार मैं ट्राई करूं। नहीं, ये कोई पब्लिक फोन नहीं, पुलिस का वायरलेस है, इसे हर कोई नहीं चला सकता। किया तुमने क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो कुछ और फील कर रहा हूं। और तुम? मैं भी, लेकिन मुझे फ्रेश होने का टाइम तो दो ना। वही तो कर रहा हूं, फ्रेश होने में तुम्हारी मदद जो कर रहा हूं। You won't.
आगे क्या दिखता है? सामने आप दिखा क्यों? इंडिया में ऐसे ही चेकिंग होती है। अभी अपने कमरों में कोई कैमरा तो है नहीं कि मैं वहाँ बैठे बैठे जान लूँ कि आप लोग ठीक है कि नहीं है। तेरे को बताओ इंडिया में ऐसे चेक करने वालों के साथ क्या होता है? नहीं सॉरी वरुण प्लीज जाने दो उसे, वो वैसे भी हड्डियों का ढांचा है, मर जाएगा, छोड़ दो ना। सॉरी वरुण चल निकल इससे पहले कि मैं तुझे इधर ही मार डालूं। छोड़ दो उसे। देखता हूं कौन किसको मारता है। किनारा ये चंचल हवा ए नहीं एडी एडी नाम है मेरा। खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? चलेगा मूंग दाल है, टंगड़ी, लिवर, कलेजा, भुर्जी, ऐसा कुछ चाहिए तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट है उधर मिलेगा। चलो लेकिन तुम्हारे बोर्ड पे तो लिखा है बेड एंड ब्रेकफास्ट मोटेल। तेरे बोर्ड पे भी बहुत कुछ लिखा है, मैंने मांगा। बेकार चीज खरीदने की औकात होनी चाहिए, मांगने की नहीं। ए चल छोड़, किचन तो होगा ना यहाँ पे? हाँ है ना, किचन भी है, डाइनिंग रूम भी है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट, बेल बॉय, वेटर, शेफ सब। Who are you? मेरे लायक कुछ होता तो मैं जरूर करती, लेकिन ये सारे काम मेरे बस की बात नहीं, और जो मेरे बस की बात है वो तुम्हारे बस की नहीं है। सामने स्टोर रूम है, उसमें मशीन है। मशीन में पीने को बहुत कुछ है। पैसा डालो और निकाल लो। थैंक यू। क्या हो गया इंडिया को? Thank you.
कहाँ है ये? निकल। मैं कुछ मदद करूं? पुलिस वाले जनता की मदद कब से करने लगे? जनता में और लड़की में बहुत फर्क होता है। रख लो, हम कभी कभी इतने दिलदार होते हैं। ना मैं मुफ्त में किसी से कुछ लेती हूं ना देती हूं। थैंक्स। वाओ, नेटवर्क आ गया। ओह शिट, नेटवर्क फिर से चला गया। माय गॉड, ओह शिट, यहाँ पे भी नहीं है। अभी तो था नेटवर्क, पता नहीं कहाँ चला गया। प्लीज कम ऑन, कम ऑन। ओ आया, आया। ओह शिट, फिर से चला गया। हाँ, पता नहीं कौन से जंगल में लाकर पटक दिया है इस अविनाश के बच्चे को ना। आया, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मैं फोन करके गाड़ी का बंदोबस्त करवा लूं। वहां किसी जगह है। हेलो, हेलो, कौन है? क्या हुआ? तुमने तुमने वो चीखने की आवाज सुनी? मैं देखता हूँ। नहीं, कहीं मत जाना। जस्ट बी विद मी। क्या प्रूफ करना चाहती हैं डॉक्टर सागर? पिछले 5 सालों से आप इस कन्विक्ट की डॉक्टर रह चुकी हैं और एंड वक्त पर ये रिपोर्ट्स, ये मीटिंग्स, जबकि आपको कानून पता है कि जब किसी कैदी को फांसी लगनी होती है तो उसके 1 हफ्ते पहले से उसके चेकअप्स, उसके ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट्स, उसकी हर एक चीज चेक की जाती है। उसके बाद हम मैं यहाँ बहस करने नहीं आई हूँ मिस्टर मेनन। एंड फॉर योर रिकॉर्ड, मुझसे पहले डॉक्टर नारायणन इस कन्विक्ट के डॉक्टर थे। उनके गुजर जाने के बाद ही मैं इस मुजरिम की साइकियाट्रिस्ट रही हूँ। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर और मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपने डाउट्स आपके सामने पेश करूँ। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि यह खूनी होते हुए भी गुनहगार नहीं है। देखिए, इस बात पर हम ऑलरेडी बहस कर चुके हैं एंड वी हैव कन्विक्टेड हिम आफ्टर वी हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डॉक्टर सागर। यस, बट यू डोंट सीम टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे शेखर साहब। इस कातिल ने हमेशा उन लोगों को मारा है या उनका कत्ल किया है जो उसकी नजरों में गुनहगार थे। Yes, and I'm sure the judge who has convicted him also knows that. और ये बात भी हम दोहरा चुके हैं कि कानून को अपने हाथ में लेकर, अपने आप को भगवान बनाकर किसी भी गुनहगार को सजा देने का हक किसी को भी नहीं है। God,
Why are you doing this? आपको जो कुछ भी साबित करना है, it better be good. वरना हम लोगों को यहाँ इमरजेंसी मीटिंग में बुलाकर हमारा टाइम वेस्ट करने के इल्जाम में मैं आपको कानून के लपेटे में ले लूंगा. I know what I am doing, Mr. Menon. Please relax. आप सिर्फ ये जान लीजिए कि अगर मेरी थ्योरी सही निकली और मैं अपनी दलील में कामयाब रही तो मैं आप हम सब कानून के लपेटे में होंगे. एक बार ठीक बात नहीं है यार, एक पूरा खून हो गया, उसको ध्यान से रहना चाहिए ना. मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा. हम सब मरे जाएंगे. चलो यहाँ से. अजीब आदमी है, इस आदमी से मैंने पहले ही कहा था चावल लाके दे. इंडिया की टीवी देखने वाली पब्लिक का क्या होगा यार. अरे यार ये मेरी मोटेल में होना था ये. कोई बताएगा भी कि क्या हो रहा है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज यहाँ पे एक कत्ल हुआ है, एक्ट्रेस कश्मीरा का. ये इंस्पेक्टर जतिन है, आपसे इस बारे में कुछ बात करेंगे. कत्ल तो अभी अभी हुआ होगा ना, तो ये पुलिस यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो मैं एक खूनी को एक जेल से दूसरी जेल ले जा रहा था. अगर बात यहां नहीं जमी तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. आई डोंट थिंक गुड मॉर्निंग इज एप्रोप्रिएट फॉर नाउ. मुजरिम आया क्या? अभी नहीं, पुलिस उसे लेकर आ रही है. क्या नया सबूत है? सबूत के अलावा एक थ्योरी है. क्या आपको मैं पागल नजर आ रहा हूं? मुझे बताया गया था कि आपके पास कोई नया सबूत है. आपने इस वक्त मुझे थ्योरी प्रूव करने के लिए बुलाया? व्हाट नॉनसेंस. सर सबूत तो आपके सामने आ ही जाएगा जब डॉक्टर सागर हमारे क्लाइंट के सामने अपनी दलील पेश करेंगी. दलील करने का वक्त है ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अगर आप हम दलील करेंगे तो अब तक कोर्ट में क्या किया था हमने? देखिए आपको जो कुछ भी बताना अब भी बताइए. वो जो आपकी थ्योरी वेरी है वो मुजरिम यहाँ पहुंचे या ना पहुंचे, अगर आपकी बात में दम होगा तो मैं आगे सोचूंगा. अब कोई मुझे एक कप कॉफी पिलाएगा प्लीज? ऑनरेबल जज साहब, अगर मुजरिम आ जाता तो ये सब मेरे लिए आसान हो जाएगा. आपको मैंने 20 मिनट दिए थे, उसमें से आपने 2 मिनट जाया कर दिए डॉक्टर सागर. अब आपके पास सिर्फ 18 मिनट बचे हैं. कहाँ है आपका मुजरिम? कहाँ तक पहुँचाओ? दिखता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है किधर जाऊं कि उधर. वो कैदी फरार हो गया है. क्या? और वो एक खतरनाक खूनी भी है. मेरा कहती थी ये वही होगा. तो आप लोग प्लीज बी केयरफुल. ऐसा ऐसा बाहर चलते हैं, उसको ढूंढते हैं. वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसके पांव बंधे हुए हैं. हाँ, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ. नहीं प्लीज, तुम यही रहो, इन सब का ध्यान रखो. उसके पैर बंधे हुए हैं. What do you mean उसके पैर बंधे हुए हैं? उसके हाथ तो खुले हैं ना. This is highly responsible behavior. मैं तो अपने रूम में जा रहा हूँ मिताली अकेली. चल बेटा चल. मैंने कहा था ना मत रोको, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते. मगर मैं कहाँ जाते तो कहाँ जाते, सारे रास्ते तो जाम थे. तुम्हें मेरी बात न सुनने की आदत है और मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों रुके थे. इसके लिए मैं प्लीज, ये क्या पागलपन है? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम तुम क्या क्या करते रहते हो? उस रात मेरी फ्रेंड ने तुम्हें किसी लड़की के साथ किसी क्लब में जाते हुए देखा था. मारो मारो मुझे, मुझे सब मालूम है. तुम मुझसे प्यार नहीं करते. तुमने मुझसे इसलिए शादी की थी क्योंकि मुझे सब मालूम है. अरे तुम्हारा बस चलता तो तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं. मैं जा रही हूँ. क्या देख रहा है? जाना उसके पीछे. मैक!
कैसे निकलो यहाँ से? कैसे बदल गया? मैक मेरी बात सुनो, मैक, मैक प्लीज। मुझे अकेला छोड़ दो। मैक मेरी बात सुनो प्लीज। तुम सब बातें कैसे हो? मैक ओपन द डोर। टूट जाएगा, तुम जैसों के लिए ही बनी है। मास्टर की बाबा मास्टर लो। मैक, मैक मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। मैक, मैक, मैक प्लीज। मैक ये क्या पागलपन है? देखो दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें इस हालत में स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। लिसन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैक नहीं, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। मैक ओपन द डोर यार, ये क्या बचपना है। मैक, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो। देखो, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की थी। सच? तुम मुझे किसी हाल में नहीं छोड़ोगे ना? मैक ये बेकार की बातें करना छोड़ दो। डैमिट, देखो तुम माँ बनने वाली हो और फिर भी बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। वरुण, एक बात कहूँ? हाँ मैक, बोलो, मुझसे बात करो, मैं सुन रहा हूँ। पूरा तो नहीं मानोगे ना? हाँ हाँ बोलो, क्या? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? यू? तुमने मुझसे झूठ बोला? वो तुम्हें शादी के लिए बनाना था, इसलिए मैंने झूठ बोला। फिर वो टेस्ट? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैं घबरा गई थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे। तुमने मुझसे झूठ बोला? How dare you? Open the damn door! दरवाजा खोलो! मेरी कहा था ना, तुम मुझे मारने से भी नहीं कतराओगे। Shut up! Open the door right now! तोड़ दूँगा दरवाजा मैं। How dare you? I'm gonna kill you! तुमने मुझसे झूठ बोला। Open the door right now! Stop it, Manu! Please stop it! God swear I'm not gonna leave you. बस हो गया मैं। दरवाजा खोलो। बस,
अरे यार कहाँ थे तुम लोग, मैं कितना तुम लोग को उधर ढूंढ के। ये भी कहाँ थे तुम? मैं यही बाहर। अच्छा, मैंने तुम्हें वहां पीछे से भागते हुए देखा। हाँ हाँ, अबे मैं भाग रहा था लेकिन पीछे से नहीं, किसी के पीछे। ये वो इसे नहीं किया है, मैंने इसके हाथ में चाकू देखा था, उसे धार कर रहा था, पूछो उससे। ए शानी, ए काय का झूठ। ए देखो, मैंने उसका पीछा किया लेकिन वो निकल गया यार। एक मिनट, कौन था वो? वो अपना, मुझे क्या पता। देखो, अगर ये इंडिया नहीं होता ना तो मैं कसम से उसके आगे निकल के उसको ऐसा पकड़ लेता, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, इंडिया में रास्ते कम खड्डे ज्यादा होते हैं यार, इधर भागने के लिए। तुम लोग को मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? तो तुम, ए अकले, तुम भी तो हो सकते हो। मैंने बहुत हिंदी पिक्चर देखी है, हर पिक्चर में मर्डर हकलाई करता है। और तुम भी तो हो सकते हो, तुमने पुलिस की वर्दी पहनी है तो क्या हुआ? ये तुम लोगों को मालूम नहीं आजकल कितने पुलिस वाले अंदर हो रहे हैं? क्यों मैं ही क्यों? अरे कोई भी हो सकता है। इसकी तुम, और जिसको लॉक किया था वो अभी तक अनलॉक है। ये भी तो हो सकता है कि वो खूनी अभी भी यही है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, वो तो शक्ल से ही डेंजर लगता है। यही वो सबूत है जो मुझे आज रात को मिले, जिसकी वजह से मैंने ये मीटिंग बुलवाई है योर ऑनर। लेकिन ये प्रूफ करने के लिए मुजरिम का यहाँ होना जरूरी है। सर, मैंने अभी जेल में फोन किया था, वो कह रहे हैं उन्हें निकले वहाँ से 2 घंटे हो गए हैं। बारिश बहुत है, हो सकता है कहीं अटक गए होंगे। इसका फैसला तो हम उससे मिलने के बाद ही कर सकते हैं। आपकी कहानी बहुत दिलचस्प है, और अगर ये सच है तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है, जिसकी सजा के हकदार हम सब हो सकते हैं। आगे कहिए। बारिश रुकते ही चले जाएंगे। बस। मैंने कहा था मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ पे, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, चले जाएंगे, मुझे यहाँ से ले चलो। बारिश रुकते ही चले जाएंगे, मुझे यहाँ नहीं रहना। चुप, वरना मार दूंगा। लेके जाइए आप इसे यहाँ से। तुम क्या मारोगे? तुम भी मरोगे, तुम सबके सब मरोगे। नहीं मैं, ये देखिए कैसी बातें करती है, सबके सब मरोगे। आप इसे यहाँ से ले जाइए प्लीज। देखिए थोड़ी देर की बात है। मेरे कमरे में क्यों? इंसानियत के नाते, इतना सब कुछ हो गया है, हम उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। तो इंसानियत के नाते इससे कहिए कि चुप रहे। ठीक है, बस मैं अभी आ रही हूँ, आप तब तक संभाल लीजिए, डांटिएगा मत प्लीज। मैं आती हूँ। सबके सब मरोगे, जो मुंह में आता है बोलती है। इस सरफरी को मेरे गले बांध के चली गई, मैं अकेला क्या क्या करूं। जा रही हो? तुमसे मतलब? और दो खून हो चुके हैं। और तुम, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम मेरे कमरे में कर क्या रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अविनाश, ये तुम्हारे, ये क्या किया तुमने? इतने सारे पैसे मेरे हैं, मेरे जिस्म बेच के कमाए मैंने। और कुछ जानना चाहते हो?
एक एक नोट पे मेरे चमड़ी की परत छिली हुई है। साला धंधा क्या करती हूँ, सब साले मेरे पीछे ही पड़ गए। पहले तो रिसेप्शनिस्ट, फिर वो पुलिस वाला, और अब तो छोड़। I'm sorry, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। दरअसल मैंने सोचा ये hey, relax. हाँ, ड्राइवर और गन, काफी इंटरेस्टिंग ड्राइवर हो। दाल में कुछ काला है। ड्राइवर कम बॉडीगार्ड ज्यादा लगते हो। ना ही तो मैं ड्राइवर हूँ और ना ही बॉडीगार्ड। तो फिर इसमें रोल है? है। आओ मेरे साथ। कहाँ? ये गन तुम्हारे पास क्यों है? क्योंकि मैं कश्मीरा जी का सेक्रेटरी था और उनका सेक्रेटरी होने के नाते अगर मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करता तो और कौन करता? क्या तुम हमेशा से यही करना चाहते थे? मेरा मतलब है सेक्रेटरी बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। वैसे तो मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और मेरे पिताजी पुलिस में थे। एक दिन अचानक एक एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई और मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर यह नौकरी ढूंढनी पड़ी। वैसे भी मेडिसिन में रोज रोज रेप, रायट्स, एक्सीडेंट, इन सब से घायल लोगों के साथ जूझता रहता था। बस ऊब गया था इतना वायलेंस देख देख कर और एक दिन सब कुछ छोड़ दिया। और तुम इतने पैसों का क्या करना चाहते? अंगूर के बाग। अंगूर के बाग? अंगूर के बाग खरीदना चाहती हूँ। हमारे पास हुआ करते थे, चल गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। पापा, सोलह साल की थी जब नासिक से मुंबई आई थी। क्या बनना चाहती थी, क्या बन गई? बस इतना पता था पैसे बनाने थे, बहुत सारे पैसे, ताकि एक नई शुरुआत कर सकूं। वहीं से जहां मैं सब कुछ छोड़ के आई थी। इस हद की जिंदगी जीना चाहती, अब उन पैसों से सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ। ये सब क्या हो रहा है? ए, ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो शायद आपको करना चाहिए था।
इंसानियत के नाते यहाँ बिठा गई है और तू एक बकर 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 बकर, अरे ज्यादा बकवास करेगी तो भी क्या भी उठा के बाहर फेंक दूंगा। चुप कर, चुप। पकड़ लिया, मारो उसको, पिटो साले को। अभी इसको इधर ही रखोगे तुम लोग? मजबूरी है, सुबह रास्ता खुलता ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ए, नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, एक खूनी के यहाँ होते हुए मैं। ए, जोकर, जब ये इस होटल में आया था ना तब भी खूनी था। जब ये होटल में आया था तब वो लाशें जो हमने अभी अभी देखी लाशें नहीं थी। तो इसने कबूल कर लिया कि उसी ने खून किए? अभी उसको होश में तो आने दो, तब पूछूंगा। थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। ये दुलाई तो मैंने सिर्फ इसको अरेस्ट करने के लिए की थी। आप लोग जाके आराम कर सकते हैं और मैं इसे देखता हूँ। अरे जब अपनी छत के नीचे खूंखार खूनी बैठा हो तो आराम कहाँ? इंडिया? हाँ, ये इंडिया में ही तो होता है जहाँ चोर और पुलिस दोनों एक ही छत के नीचे मिलते हैं। चलो मिताली को जाके देखते हैं, चले। चौथे नारी उशो, तुम अकेले इसका ख्याल रख सकोगे? अकेला कहाँ, ये है ना मेरे साथ। अरे ये इसे ही बोलते हैं। तू कहाँ जा रहा है, चल बैठ यहाँ पे। अरे नहीं मैं जाता हूँ। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं तेरी तो मैं होश आ गया। अब हम यहाँ से चले जाएंगे। मारे बिना मैं कितना अकेला महसूस कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं कहाँ जाऊं। कोई नहीं बचेगा, सब बच जाएंगे। कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, सब के सब मर जाएंगे। उसे होश आ गया, उसे होश आ गया। हाँ भागे सर, उसे होश आ गया। थैंक यू सो मच सर, सब आपकी वजह से। आप अगर उसका खून नहीं रोकते तो पता नहीं क्या होता। वैसे हमने उस कातिल को पकड़ लिया है। वहम है तुम्हारा कि वो खूनी है, वहम है। बस अब ये बारिश रुक जाए तो हम उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब हम सब लोग यहीं एक कमरे में रहेंगे। देखे तो सही वो कह दी एक खूनी है भी या नहीं। जी जी, बस थोड़ी देर की बात, सब ठीक हो जाए। राइट सर। वहम है तुम्हारा, वहम है, वहम है, वहम है। मैं जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। कोई नहीं बचेगा, उसने वरुण को भी मार दिया, वो हम सबको मार देगा। मैं, अरे तुम मुझसे नहीं बचेगी। तुम मरोगे, तुम भी मरोगे, हम सब मरेंगे। वो बंद करो इसका, वरना जैसे तैसे मेरी बीवी को होश आया और ये है कि शक की गई कि सर, सुखी सर, अरे अपने जीते जागते पति को शक कर करके मार दिया और अब हमें लगा कौन से अनजान डरों क्यों धकेल। चलिए मेरे साथ। अरे दिमाग खराब है इसका, पागल खाने भेज दो इसे। ए, ए, खाने को मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा। रिसेप्शन में चने पड़े लाऊं? अबे साले भूख लगी है, चने से मेरा पेट भरेगा? ठीक है तू बैठ, में हल्का हो के आता हूँ। हाँ चलो हल्का हो के आते। तू नहीं, मैं हो के आता हूँ, तू मेरे बात जाना, इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मतलब मैं, देखिए अगर मैं इसके साथ यहाँ अकेला बैठा
तो मैं यहीं हल्का हो जाऊंगा। अबे फट्टू चंद, वो बंधा हुआ है फिर भी तेरी फट रही है, साले तेरी फटती बहुत है। फट के फव्वारा हो गई सर। तो यहीं बैठ, मैं होके आता हूँ। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ आपके साथ। अरे अरे अरे, कैदी वो है या मैं हूँ? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ठीक बोला वो, बात में बहुत बोल रहा था ना। अब देख, फट गया ना, फट चूचन। अरे मैं तो बांधा हूं, मैं तुमसे क्या कर सकते हैं? हाँ, मतलब हाथ बंधे हैं मालूम है। तुम बड़े छुपे रुस्तम निकले। मतलब मुझे तुम्हारे बारे में मालूम है। क्या क्या मालूम है? मुझे सब मालूम है। क्या क्या? तुम्हें मालूम? चल चल, तुम्हारी बात पे कौन यकीन करेगा? चल सोच लो, मेरी बात मानो तो दोनों फेदे में रहेगा। नहीं माना तू तो क्या कर लेगा? करेगा क्या टकले? ये भी बाहर घूम रहा है, उसे फिर अकेला छोड़ दिया। वे कहाँ जा रहा है? अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मां कसम मैंने कुछ नहीं किया। तो भाग क्यों रहा था? मैं तुझे उसके पास छोड़ के आया था ना। ये चाकू तो मैंने, तो इसको भी मार दिया साले। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा किसी को। कैसे मारा, कैसे मारा ये? बोल रहा हूँ। अरे मेरी नहीं 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 नहीं, ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे मैंने उस एक्ट्रेस के रूम से चुराए, ये तुम्हारे नहीं है, अब ये मेरे हो गए, मुझे दे दो। अबे सच बोलता है कि मारो साले। मैंने उस चाकू के बारे में बताया था ना आपको, देखिए उसके गले में लगा हुआ है, इसी ने सब कुछ किया है। अबे पैसे दे मेरे साले। ए, मैंने तुम लोग को कब से बोला है, कब से बोला है? मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। तुम्हें मार के दिखाऊं क्या? ए, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम सोचो, तुम लोग अगर वो चाकू मेरा है तो मेरा ये चाकू मेरे पास क्या कर रहा है? आ, 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 आ,
ये कौन है? हाँ? तेरा बाप? सच बता, क्यों मारा तूने इन सब लोगों को? अरे यार, मैंने किसी का खून नहीं किया यार, मैं खूनी वूनी नहीं हूँ। अरे ये कब मरा, कैसे मरा, क्यों मरा, मुझे नहीं पता यार। मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ, बॉम्बे छोड़ के गोवा भाग रहा था। रात को मौसम खराब हो गया तो मैं इसी मोटेल में रुक गया। भूख लगी थी, खाना ढूंढते ढूंढते मैं स्टोर रूम में आ पहुंचा। मुझे ये लाश दिखी यार, इसकी लाश को पूछने वाला कोई नहीं था, तो मैंने इसको उठा के फ्रीजर में डाल दिया और रात काटने के लिए मैं रिसेप्शन पे जाके बैठ गया। एक एक करके तुम लोग जमा हुए, मुझे रिसेप्शनिस्ट समझ बैठे। और अरे यार, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ से जाने दो बस। वाह 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 वाह, कहानी अच्छी थी लेकिन जमी नहीं। साले पुलिस की लाते पड़ेंगी ना, तोते की तरह बोलेगा। वो आ गया है सर, ही इज हियर। ये खून तुमने किया है? इसे पहचानते हो? इसे? मुझे कुछ नहीं मालूम। यहाँ तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। ये खून तुमने किए हैं। मैं वहां था पर मैंने कुछ नहीं किया। ये आवाज तुम्हारी है? ये क्या कर रहे हैं आप? इसका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। जी मैं जानती हूँ, प्लीज लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग। आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी ऑनर, बट आई नीड मोर टाइम विद हिम। अगर आपकी इजाजत हो तो प्लीज सर, ये बड़ी गंभीर समस्या है। आई नीड योर कंप्लीट कोऑपरेशन। जतिन रुको, अभी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। इसे पकड़ा नहीं, ये सब कुछ उस रिसेप्शनिस्ट की वजह से हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहले उसे जाके हथकड़ी लगाइए। अरे और क्या सबूत चाहिए आपको? उसकी वजह से हम लोगों के सामने ये सब कुछ हो रहा था। देखिए ये चाबी यहाँ पे कैसे आई?
पहले भी थी। ऐसे कैसे हो सकता? इसका मतलब है कि उसने यहां जानबूझ के चाबी रखी। तो मुझे मार देगा। मैं मरना नहीं चाहती। मरना नहीं चाहती। सोनिया मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ? क्यों? बैठो यहाँ। क्या तुम लोग जानते हो ये मोटेल एक कब्रिस्तान से जुड़ा है? कहते हैं कोई भूत प्रेत। तुम्हारा मतलब है ये सारे खून किसी भूत किसी आत्मा ने किए? बकवास बंद करो ना, बच्चा उठ के चला गया डर के। तुम लोगों ने वो फिल्म देखी गुमनाम? उसमें एक आइलैंड था, उस पर 10 लोग इकट्ठे हुए थे, अनजान थे वो। फिर पता चला कि वो किसी न किसी तरह जुड़े थे। थोड़ी देर बाद एक एक करके सब के सब मर गए। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन उस पिक्चर में तो सारे के सारे एक दूसरे को जानते थे। हम सब तो आज पहली बार मिले हैं। क्या तुम मुझे जानते थे? तुम मुझे जानते थे? मैं तुम्हें कभी नहीं मिली हूँ, तो फिर ये क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ? कौन है हम सब? ये हम में से ही किसी एक का काम है। जब वरुण की मौत हुई थी तो मैंने इसे पीछे से भागते हुए देखा था। तुम मुझे क्या मार पाते? किसी के पास चाकू है, यही गाड़ी चला रहा था। तुम लोग को यहाँ रहने दिया यही मेरी गलती थी। लगता है कोई ये खून कर रहा है और हमें इस किचन से महसूस करा रहा है ये सारे कत्ल है। मारे जाएंगे। वो एक आत्मा है, हम सबको मार डालेगी। कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। देखो मेरी तरफ, हम चलते हैं यहाँ से। क्या हुआ? तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? अरे मैं कल ही तो आया हूँ, मुझे क्या पता है इस कब्रिस्तान का और इस मोटेल का क्या लेना देना। ये आत्मा भूत में मैं नहीं मानता हूँ बॉस। सुनो सोनिया, मेरी बात सुनो। तुम महक और बच्चे को लेकर निकल जाओ यहाँ से, अभी जाओ यहाँ से। ये क्या पागलपन है? कोई नहीं जाएगा यहां से। मुझे तुम सब पर शक है। पुलिस वाला मैं हूं। रियली? पुलिस वाला होने के नाते तो आपको बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन मैंने तो आपको एक पुलिस वाले की तरह पेश आते हुए देखा ही नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यह कि मुर्दों की फोटो खींचने का आइडिया आपको आना चाहिए था, लेकिन आया मुझे। एक कैदी जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी आपकी थी, वो आपकी मौजूदगी में मारा जाता है। अरे एक रेडियो तक ठीक नहीं हुआ आपसे। 5-5 लोगों का खून हुआ आज आपकी यहां मौजूदगी में। कोई नहीं जाएगा यहां से। सोनिया तुम महक और बच्चे को लेकर यहां से निकल जाओ। अविनाश तो मैं आता हूं।
तुम निकलो सोने यहां से। तुम आगे चल जाओ, जाओ जाओ बेटा, तुम लोग आगे चले जाओ, मैं अविनाश के साथ आती हूँ, मुझे अपने बैग भी लेने हैं। चलो चलो जाओ। अपना मुंह खोलेगा तो शरद भी पार नहीं कराऊंगा। अरे यहाँ नहीं है, क्या हुआ? वो पुलिस वाला नहीं है, वो खूनी है। कौन खूनी है? वो एक्चुअली कैदी है, वो पुलिस वाला। बस बहुत, तू आइए ना, चल चल। मैं यहाँ हूँ। हाँ मैं ही हूँ, और अब तुम दोनों की बारी है। नहीं, एक सेकंड देखिए मेरी बात। इंडिया इंडिया इंडिया, साले ने पूरी रात बोल के पका दिया। इसको तो पहले ही मार दिया होता तो अच्छा रहता। क्या उसने मेरे सामने आदि को मारा, वो रिसेप्शनिस्ट, वो मर गया, वो हम लोगों को भी मार देगा। कुछ नहीं होगा, अविनाश कुछ करो। कुछ नहीं होगा, तुम करो, मेरी बात सुनो, तुम ही रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। में तुम्हारी आवाज है और यहां तुम्हारे हाथों के निशान हैं। मैं वहां था पर मैंने कत्ल नहीं किया। मिस्टर मानस दत्ता, चलो ठीक है ठीक है, इसके बारे में हम कुछ बात नहीं करते, हम तुम्हारी माँ के बारे में कुछ बात करते हैं। माँ? तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी ना? ए, तेरे को उससे क्या लेना देना? सच सच बताओ, क्या तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत थी? नहीं, मुझे याद नहीं। ए, मेरी माँ के बारे में मत बोलना। और तुम्हारे पिता, सौतेले पिता, वो कैसे थे? क्या वो तुम्हें मारते थे? नहीं,
तो फिर तुम्हारे दिल में उनके लिए नफरत क्यों है? नफरत नहीं है, मैं उनसे बहुत प्यार करता था। झूठ। ये सुनो, तो तुम ये कबूल कर रहे हो कि तुमने इन सब का कत्ल किया है? मानस, 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 बंद करो। क्या तुमने ये कबूल किया? बंद करो ना। क्या कबूल? यही कि ये कत्ल तुमने? आ जाएगा। क्या पूछ रहे हैं? मैंने कितनी बार कहा कोई कत्ल नहीं किया। कौन है मानस? नहीं। जा यहाँ से। नहीं बंद। किससे बात है? मैं कहता हूँ चले जाओ। मानस बंद करो। जाना, जा, चले जा। लेकिन जाओ। किससे? डॉक्टर साहब, तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं। उससे निकालो यहाँ से। तुम किससे बातें कर रहे हो? अरे वही। हाँ, मैंने मार डाला उसे। मेरी माँ गंदी औरत थी, मुझे दरवाजे के बाहर खड़ा करती थी और अपने चाहने वालों से मिलती थी। फिर एक दिन मैंने उसे अपने पापा को मारते हुए देखा। उसने पापा का खून किया और सुसाइड है ऐसा बताया। पर तुमने हाईवे मोटल पे उन लोगों को क्यों मारा और कैसे मारा मानस? बोलो, बोलो मानस, बोलो कैसे मारा? अपने बस में होते हुए भी उसने किसी की मदद नहीं की। बहुत ही घमंडी औरत थी वो, उसे जीने का कोई हक नहीं था। ये धंधा करती थी, पैसे के लिए बदन बेचती थी। चुप, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बेच, बेच, मैं तुझे। वो अपनी बीवी को मारने की धमकी दे रहा था। बहुत ही बुरा आदमी था। ये भी धंधा करती थी। झूठी औरत, झूठ बोल के उस लड़के से शादी की। इसने मासूम लड़की का बलात्कार किया था। छोटा बच्चा समझकर मुझे डरा रहा था, अपनी ताकत दिखा रहा था। और अपनी माँ को कैसे मारा बताओ? बोलो मानस, बोलो। दूसरे आदमी के लिए मेरी माँ ने मेरे बाबा को मार दिया। तो उस रात हमारा टायर पंक्चर हो गया था हाईवे पे। बाबा टायर चेंज कर रहा था, मेरी माँ उधर खड़ी थी, दूर से गाड़ी आ रही थी, तो मैं वहां से खेलते खेलते उसको सड़क के बीच ले गया, गाड़ी उसको उड़ा गई। लेकिन कमबख्त बच गई मेरी माँ। दोबारा मौका मिलते ही मैंने अपने हाथों से उसे मारकर अपने बाबा के कत्ल का बदला लिया। बताओ मानस, अपने बाप को क्यों मारा? सौतेला बाप था, मेरी माँ ने उसके वजह से मेरे बाबा को मारा है। मेरा बाप नहीं था वो, मेरे बाबा की मौत की वजह था। उस रात मैं जानबूझकर उस ट्रक के सामने आ गया। क्या तुमने इन लोगों को मारा? इसे, इसे? नहीं, मैं अच्छे लोग को नहीं मारता। सोने को छोड़ा ना मैंने। कुछ अपनी मौत मरे हैं और कुछ को उसने मारा है। उसने मारा है, मैंने किसी को नहीं मारा। अभी अभी तुमने कहा कि तुमने सोनिया को छोड़ दिया था। तुम्हें पता होगा कि सोनिया कहाँ है? बोलो, बोलो, सोनिया कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। ए, तू जाए यहाँ से। नहीं, मैं क्यों जाऊँ? मैं कह रहा हूँ ना, तू जाए यहाँ से। कौन है? किससे बातें कर रहे हो? तुझसे मुझे घिन आती है, जा। अच्छा, अब मुझसे घिन आती है? आज तुम जो भी हो सिर्फ मेरी वजह से हो। ए, तू जा, मैं मार डालूंगा तुझे। ए, मुझे छुड़ाओ। ए, इसे सिर से हटाओ। ये फिर से आ गए, अभी देख रहा, ये मेरे को छोड़ेगा नहीं। ये आएगा तो मैं फिर से सबको मार दूंगा। छोड़ दो, पीछे हो जाओ। इस कंडीशन को ड्यूल पर्सनालिटी कहते हैं। बचपन में अगर किसी पर जुल्म होता है, यानी चाइल्ड अब्यूज का शिकार होता है, तो कभी कभी छोटी उम्र में ही वो अपनी मानसिक अवस्था खो बैठता है और फिर जिंदगी भर के लिए इसके प्रभाव से दब जाता है। इन हालात में वो दो शख्सियत या कभी कभी तो उससे ज्यादा पर्सनालिटीज एक साथ जीता है। इस केस में उसके अंदर अपने बचपन के मानस की दूसरी शख्सियत अभी भी पनप रही है।
दरअसल मानस ही है जो ये सारे खून करता है। He is truly evil. वो खूनी है, मानस दत्ता नहीं। ये सारे खून उससे वो बच्चा करवा रहा है, इसलिए आज तक हम कोई क्लियर मोटिव नहीं पहचान सके। ऐसे लोग फांसी की सजा के नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट के हकदार होते हैं। चर्च साहब, मेरी आपसे विनती है कि आप अपने फैसले पर दोबारा नजर डालें। डॉक्टर सागर, बड़े ताज्जुब की बात है कि अगर इसका मानसिक संतुलन सही नहीं है तो इसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी आपको तब क्यों नहीं नजर आई जब आपने इसका केस हाथ में लिया था। सर, अगर आप रिकॉर्ड्स चेक करें तो डॉक्टर नारायणन के साथ इनिशियल स्टेजेस में उसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी बहुत बार दिखाई पड़ी, पर जैसे जैसे उसका वक्त जेल में गुजरता गया उसके दौरे कम होते गए और उसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी कम दिखाई देने लगी। और जब तक ये केस मेरे पास आया तब तक मानस बिल्कुल शांत हो गया था। अंटिल आज, आज तक जबकि हमने उसे उकसाया तब तक, वरना वो सहम चुका था। मेरी ये मजबूरी थी कि इस बेगुनाह को फांसी न लग जाए, इसलिए आज मुझे ये सब आपके सामने पेश करना पड़ा। चर्च साहब, ये इंसान बीमार है, गुनहगार नहीं है। अगर ये सच है तो ये टेप्स और सबूत आपने उस वक्त क्यों नहीं पेश किए जिस वक्त इस केस की पहली सुनवाई हुई थी? सर, मुझसे पहले डॉक्टर नारायणन इस कातिल के साइकियाट्रिस्ट थे जिन्होंने अपनी टेप सबमिट की थी, पर उनके गुजर जाने के बाद उन टेप्स और उन रिकॉर्ड्स को नजरअंदाज कर दिया गया। इस वजह से ये सबूत पुलिस रिकॉर्ड्स में होते हुए भी नजरों से बच गए। ये बीमार सही, मगर कत्ल इसी ने किए हैं, और जिस वक्त इसने कत्ल किए उस वक्त ये बच्चा नहीं था। जज साहब, गौर करने वाली बात ये है कि जब उसने वो कत्ल किए उसकी मानसिक अवस्था एक बच्चे की थी और आज भी है, जैसा कि आपने अभी देखा। By the power appointed to me by the Maharashtra High Court, मैं जज डी एस सिंह आज 17 दिसंबर सन 2020 के ताजिरात हिंद मानस दत्ता वर्सेस स्टेट के केस में दोबारा पेशगी के दरखास्त के तहत इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मानस, जिसे दफा 302 के तहत आज फांसी लगनी थी, इस सजा का हकदार नहीं है। पेश किए गए तमाम सबूतों के बिना पे मैं मानस दत्ता को सेक्शन 84 IPC के तहत उस दिन तक रिहा करता हूं जब तक कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता और उसे ट्रीटमेंट के लिए AIFF गवर्नमेंट साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट कराने की इजाज़त देता हूँ, और इसकी सुनवाई उस दिन तक मुलतवी की जाती है जब तक उसकी मानसिक अवस्था ठीक न हो। गाड़ी रुको। डॉक्टर आंटी, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकती, जानती नहीं मुझे। सही पहचाना पर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं सुधरना ही नहीं चाहता। देखो देखो, तुम ठीक हो सकते हो मानस, तुम बीमार हो, मेरी बात सुनो, तुम ठीक हो जाओगे। चुप! किसको ठीक होना है, कौन बीमार है? ये समाज बीमार है, पहले उसको ठीक कर, मुझे सुधारेगी। मैं बीमार हूं। हेलो, किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कोई है वहाँ पे? आप कौन बोल रही हैं? देखिए, मैं डॉक्टर साक्षी सागर बोल रही हूँ। जी बोलिए। यहाँ हाईवे पे हमारे साथ एक हादसा हो गया है जिसमें ड्राइवर, पुलिस वाले और कैदी सबकी मौत हो गई है। आप जल्दी से किसी को मदद के लिए भेजिए। डॉक्टर सागर, आप जिस हाईवे पर हैं वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमारी रेस्क्यू टीम को आधा घंटा लग जाएगा। नहीं, देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप अगर आपके आने से पहले यहाँ पर मुझे कोई गुजरता हुआ नजर आए तो मैं मदद लेने की कोशिश करूंगी। ठीक है,
ओके। लेकिन आप किसी चीज को हाथ मत लगाइएगा। ठीक है। देखिए, हमारे साथ एक हादसा हो गया। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे शहर तक लिफ्ट दे दीजिए। आइए। थैंक यू। आप लेंगी? वाइन है हमारे पार्क से। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? हम लोग एक मुजरिम को अस्पताल लेके जा रहे थे। मुजरिम को एम्बुलेंस में? आई एम अ डॉक्टर। ये एक स्प्लिट पर्सनालिटी का केस था। मैं समझी नहीं। ये एक पुरानी कहानी है। 15 साल पहले आपको याद होगा, एक मोटेल में कई लोगों का कत्ल हुआ था। उस वक्त पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला, और आज जब उस केस पर से पर्दा हटा तो पता चला कि उन लोगों में से एक चश्मदीद गवाह आज भी जिंदा है, जो अब तक खामोश है।
For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.